हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नीलांजन, आप देख रहे हैं इन्फोनील हेल्थ एंड फिटनेस। तो फाइनली इंडिया में विंटर आ चुका है और विंटर के टाइम पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विंटर एक ऐसा टाइम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कफ एंड कोल्ड, वायरल फीवर, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम, डाइजेशन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे सुपर फूड्स लेके आया हूँ जिसे विंटर सुपर फूड्स भी कहा जाता है। तो इससे आपको इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने में, डाइजेशन इम्प्रूव करने में, कफ एंड कोल्ड से लड़ने में, वायरल फीवर से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। हालांकि ये सारे फूड्स जो है ये आपको दूसरे सीजन में मिल जाता है, पर विंटर में किस तरह से आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या खाने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आइटम जो मेरे दिमाग में आता है वो है बीट्स, क्योंकि बीट में बहुत तरह के विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें से कि आपका विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके नर्व फंक्शनिंग पर भी वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। दूसरा सुपर फूड होता है नट्स, यानी कि बादाम। हालांकि बादाम में बहुत ज़्यादा फैट होता है, पर अच्छी बात यह है कि बादाम में ज़्यादातर जो है वो मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, जो फैट आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे विंटर में ज़रूर खा सकते हैं। तीसरा जो सुपर फूड है वो है फल, यानी कि पोमेग्रेनेट, जिसे हिंदी में अनार भी कहते हैं। विंटर सीजन में अनार खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खास करके विटामिन सी, पोटेशियम और आयरन, और इसे खाने से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो और भी अच्छी तरह से काम करता है और साथ ही साथ अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में होने वाले दर्द से भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। चौथा फ्रूट होता है ग्रेप फ्रूट, ये भी एक फल है जिसे कि आप हिंदी में चकोतरा कहते हैं। ये भी आपका विंटर में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगारी होता है। पांचवा सुपर फूड है स्वीट पोटैटो, यानी कि मीठा आलू। ये विंटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले फाइबर्स आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर में डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप रेगुलरली या एक दिन बाद बाद भी मीठा आलू यानी कि स्वीट पोटैटो खाते हैं, तो आपकी डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, जिससे कि आपके लिवर और आपके हार्ट के फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल तरीके से चलते हैं। छठा सुपर फूड है कैरेट, यानी कि गाजर। हम जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में बहुत ही इजीली और अच्छे क्वालिटी के गाजर मिलते हैं, जिसका गाजर का हलवा बना के खाना सबको पसंद होता है, पर अगर आप इसके अलावा भी रॉ गाजर यानी कि कच्चा गाजर खाते हैं, तो ये आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके सर्दियों के मौसम में नाइट विजन यानी कि रातों में आंखों की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। सातवां सुपर फूड है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको दालचीनी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया है, और विंटर में भी दालचीनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेगुलरली दालचीनी खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा रहता है, और साथ ही साथ आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम रखता है, और साथ ही साथ गुड कोलेस्ट्रॉल को वो मेंटेन भी रखता है दालचीनी। आठवां सुपर फूड है गार्लिक, यानी कि लहसुन। विंटर में गार्लिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलरली, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 टुकड़ा गार्लिक जो है वो रेगुलरली कच्चा खाए। इससे आपका बॉडी जो है वो गर्म रहता है, और विंटर सीजन में बॉडी गर्म रख के आप सर्दियों के किसी भी बीमारियों से अच्छी तरह से लड़ भी सकते हैं। नौवां सुपर फूड है पियर, जिसे हिंदी में रहीला भी कहते हैं, और रहीला जो है वो विंटर में एप्पल का ऑल्टरनेटिव होता है। एप्पल जो थोड़ा सा हार्ड होता है टेक्सचर में, पर रहीला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो जिन लोगों को भी दांतों की प्रॉब्लम्स है वो रहीला खा सकते हैं, क्योंकि उसे चबाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। दसवां सुपर फूड होता है गोभी, यानी कि कॉलीफ्लावर और कैबेज। अब सर्दियों की बात हो और गोभी की बात ना हो, ये बात कुछ हजम नहीं होती है, और विंटर के सीजन में गोभी जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलता है आपको। तो आप रेगुलरली गोभी की सब्जियाँ खाइए, इससे आपको फाइबर मिलता है, फाइबर आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, और साथ ही साथ इन दोनों में ओमेगा 3 एसिड होता है, और साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो कि सर्दियों में होने वाली बीमारियों से लड़ने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सुपर फूड जिसे रेगुलरली सर्दियों के मौसम में खाने से आप सर्दियों में होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, आपके डाइजेशन का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकता है, और साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी और भी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। इसके अलावा भी आप चाहे तो विंटर में पाए जाने वाले हर तरह की सब्जियां और फल को भी आप खा सकते हैं। आप हर तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स को खाइए, पर याद रखिए एक बैलेंस्ड डाइट में खाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्दियों का मौसम है इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी कम पीजिएगा। रेगुलरली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम अक्सर जो है वो पानी की मात्रा जो है उसको कम कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद।